ज्यादातर लोग सिर्फ दो ही चीजों से परेशान है, पहला आपका एज एज एनफोन मैक्स रैम का 6 GB वाला वर्जन कब आएगा, और दूसरा कि आपका जो है स्मार्टफोन पर फ्लैश सेल का चक्कर चलता है ये कब खत्म होगा, क्योंकि आपके जितने भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, चाहे आपका रियलमी 1 हो, रेडमी नोट 5 प्रो हो, या फिर आपका एज एज एनफोन मैक्स रैम 1, वो लोगों को मिल ही नहीं पाते हैं, आप लोगों को मिल ही नहीं पाते हैं। पर बता दो आपका रेडमी नोट 5 प्रो के साथ अब ये चक्कर नहीं रह गया, यानी कि आपके जो ओपन सेल में अवेलेबल है अभी आप जाकर जो है खरीद सकते हो उसे, 4 GB 6 GB जो सा भी वर्जन लेना हो। और आपको बता दो ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपके नए नए स्मार्टफोन आए जा रहे हैं और ज्यादातर लोग जो है रेडमी नोट 5 प्रो को अब लेना नहीं चाह रहे हैं, पर अगर आपको अर्जेंटली एक स्मार्टफोन चाहिए तो आप ये ले सकते हो रेडमी नोट 5 प्रो, क्योंकि इसके जो MIUI 10 का अपडेट आने वाला है, वैसे तो आपका रेडमी के सभी फोन्स के लिए आएगा ज्यादातर, पर आपको जो रेडमी नोट 5 प्रो अभी फिलहाल के समय पर सबसे बेहतरीन फोन है, मानो न मानो अभी सबसे अच्छा फोन है, क्योंकि सबके अंदर सारी की सारी कमी होती, कोई परफेक्ट नहीं है, पर आपका 15,000 के सबसे सच्ची बताओ आपका रेडमी नोट 5 प्रो अभी भी बेहतरीन है। और इसके अलावा बता दो MIUI 10 सच में कमाल करने वाला है, और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि MIUI 10 सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, सबसे अच्छा UI है, पर एटलीस्ट जो बाकी कंपनीज देती हैं उससे तो बेहतरीन मिलता ही, तो आप जाकर ले सकते हो अगर आपको अर्जेंटली फोन चाहिए रेडमी नोट 5 प्रो, और ज़्यादा होगा जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूँगा, तो देख लेना एक बार। तो खैर चलो, अगर आपको Redmi Note 5 Pro भी नहीं लेना तो आपके पास दूसरा ऑप्शन निकल कर आता है एज ए जेनफोन मैक्स प्रो M1, पर उसके साथ भी वही दिक्कत है कि अगर 3 GB 4 GB कोई सा भी वर्जन नहीं ले पा रहे थे सेल के अंदर, पर आपको तो अब से ऐसा नहीं होगा, उसकी भी ओपन सेल होगी, यानी कि बहुत देर तक आप जो है अवेलेबल होगा आपका फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आप जो है खरीद सकते हैं जाकर, मानता हूँ पूरी तरीके से ओपन सेल है नोट 5 प्रो की तरह, यानी कि अभी आप जाकर देखोगे तो आउट ऑफ स्टॉक ही दिखा रहा है, पर आपका जो पहले की तरह जल्दी से नहीं जाएगा, अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, यानी कि जितने स्टॉक होंगे आपके जो है बहुत देर तक जो है अवेलेबल होगा डिवाइस, और ऐसा इसलिए ही होगा क्योंकि 3 GB 4 GB जब अपने स्टॉक्स निकालने की सोच रही है कंपनी, क्योंकि आपका 6 GB वाला वर्जन भी लाना है, और 6 GB के बाद तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग 3 GB 4 GB नहीं लेना चाहेंगे। और अगर 2-3 लाइन में इसके स्पेसिफिकेशन आपको बताना चाहूँ आपका एज ए जेनफोन मैक्स रैम 1 की, तो स्क्रीन आपको मिलती है 5.99 इंच की स्क्रीन, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इसी पर जो है बहुत सारे लोग जो फिदा हो रखे हैं। स्नैपड्रैगन 636 मिलता है नोट 5 प्रो में जो मिलता है, 3 GB 4 GB 6 GB की रैम मिल जाती है, 3 GB 4 GB अवेलेबल है अभी, और 6 GB आपका आएगा। और इसके लिए कैमरा सेक्शन की बात करें तो अभी 4 GB 3 GB वाले में मिलता है 13+5 और आगे मिलता है 8 MP, और अगर 6 GB वाला वर्जन होगा उसके आपको मिलेगा 16+5 पीछे की तरफ कैमरा, और सामने की तरफ आपको मिलेगा 60 MP का कैमरा, यानी कि दुगना बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आपको इंडियन में आपको पता है आपको सेल्फी के पीछे ही जो है लोग पागल हैं। और इसके अलावा 6 GB की रैम मिल जाएगी आपको 15,000 रुपये में और 64 GB इंटरनल मेमोरी। तो खैर हमने मेन मुद्दे पर रहते हैं, इसके 6 GB वाले वर्जन की सेल कब से स्टार्ट होगी, यानी कि कब से बिकना स्टार्ट हो जाएगा फ्लिपकार्ट पर। तो जैसे कि आपको पता है पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था कि जुलाई के अंदर आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, पर आपको जो डेट अब तक निकल कर नहीं आई थी, पर आपको वेबसाइट के थ्रू जो बताया जा रहा है अब जो है अपडेट निकल कर आई है क्योंकि 16 जुलाई को जो स्टार्ट हो जाएगी इसकी सेल, पर पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि 16 जुलाई को आएगा, और इसका कारण बस एक ही लग रहा है मुझे, आपके तो 3 GB 4 GB वाले वर्जन के यूनिट्स हैं वो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा निकालना चाहेगी, और यही कारण मुझे लगता है कि इतना लेट करने का था 6 GB वाला वर्जन, क्योंकि आपको पता है कि जो 6 GB वाला वर्जन आ जाएगा तो 3 GB 4 GB वाला कोई लेना नहीं चाहेगा, और मैं आपको शुरू से रिकमेंड भी नहीं करता हूँ आपका 4 GB वाला वर्जन लो, क्योंकि आपका 11,000 रुपये में तो बहुत अच्छा है 3 GB वाला वर्जन, पर आपका 13,000 रुपये में 4 GB जो है कुछ अच्छा नहीं लगता है, और जो है लोग लेना भी नहीं चाहेंगे जब आपका 6 GB वाला वर्जन आ जाएगा, तो उसके अंदर जो बेहतर कैमरा मिल जाता है क्योंकि आपकी रैम ज़्यादा मिलती है, तो लोग वही लेना चाहेंगे जो है 2,000 रुपये एक्स्ट्रा डालकर। तो जो है कंपनी अपने ज़्यादा यूनिट्स जो है बिक जाए आपके जो है 3 GB 4 GB की, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और लेट कर देगी, यानी कि 16 जुलाई के अगले वाली सेल में क्या पता लिया है, वरना तो बाकी कंपनी की मर्जी है, हो सकता है आपको जो है 16 जुलाई को यानी कि 3-4 दिन बाद ही देखने को मिल जाए। और इसके अलावा जो कोई भी अपडेट आते हैं आपको मिल ही जाएगा, रिप्लाई दे दूंगा, या फिर जो कम्युनिटी टैब या फिर जो वीडियो बन जाएगी। और इसके अलावा जो वीडियो अगर जरा से भी पसंद आए तो प्लीज़ यहाँ से लाइक कर देना, टारगेट अब छोटा 30 लाइक्स, तो प्लीज़ जल्दी से कम्प्लीट करवा देना। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं जो है 6 GB वाले वर्जन के लिए और जो ओपन वगैरह सेल के लिए। इसके अलावा चैनल पर रेगुलर हो, मिलता है उससे वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।